भूखे प्यासे, तो मैं हूँ खुशबू। अभी हूँ मैं रायपुर के पनरी मार्केट पे, क्योंकि हमेशा कंप्लेन होती थी कि हम पनरी मार्केट आते हैं शॉपिंग करने, बट हमें खाने की प्लेस नहीं मिलती है क्विक वाली। तो शॉपिंग करते करते खाने की प्लेस आप क्विक खा सकते हैं। तो ये मेन रोड पे ही प्लेस है, तो हमने यहाँ पे मंगा लिए क्लब कचौरी। चार पीस कचौरी मिली है, बेसिकली ये पूरी जैसे होती है और ये सिर्फ 40 रुपीज़ की। अगर आप पनरी में शॉपिंग कर रहे हो या आपको ऑफिस है, पनरी इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ऑप्शंस हमेशा कम होते हैं खाने के, तो 40 रुपीज़ में काफ़ी फिलिंग है। बाकी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो हमने हाफ चाय, कॉफ़ी और इनका ये बनारसी समोसा मंगाया है। आप शेप देख सकते हो, पोटली जैसा शेप पे बनारसी समोसा आया है। चटनीज भी है ग्रीन और ये, तो फटाफट ट्राई करते हैं, लेट नहीं करती क्योंकि मेरे समोसे भी ठंडे हो रहे हैं। इडली के समोसों की इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी थी ना कि नितिन स्वीट फ्रॉम बिलासपुर रायपुर आ गया ये समोसे खाने के लिए। हाय एवरीबॉडी, तो नितिन का पेज है बिलासपुर क्यूजीन करके, आप लोग जानते ही होंगे, डू फॉलो मी, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है वो। थैंक्स फॉर सेइंग, मैं खुशबू ज़्यादा पॉपुलर है एनीवे। ये बात तो सच है। समोसे चालू करते हैं। हाँ, स्टफिंग में मटर और आलू दिख रहा है मेरे को, तुम भी लो। ये पोटली शेप का है ना, तो बहुत एक्साइट कर रहा है। और भैया कितने की है ये? 40, मतलब 40 की हमें 6 पीस मिले हैं, 5 रुपये का एक समोसा। अच्छा, वाह, गरम भी है ये। 5 का जो है, 5 रुपये 20 होगा। हाँ, 6-7 रुपये का पड़ रहा है। 6-7 रुपये टेबल कितना होती है? ये भी हो जॉकी का शोरूम है, बस यहाँ से एंट्री मारना होता है LIC बिल्डिंग के ठीक ऑपोजिट में, तो चाय गोविंदम पड़ता है ना, बस के आगे ये ये क्या ऑर्डर किया तुमने? क्लब कचौरी। ये भी ट्राई कर लेंगे। क्लब कचौरी रायपुर की है? आई डोंट नो, तुम बताओगे रायपुर का। मतलब कैसी लग रही है क्लब कचौरी? हाय, मैं मथुरा में खा रही हूँ क्लब कचौरी। हिडन जेम है, मतलब वहाँ पे कचौरी बोलते हैं ना। अरे तो बहुत ही लिमिटेड मेन्यू है, अभी तक हम लोगों ने 2 डिशेज ट्राई किए और दे आर गुड, तो आई थिंक लिमिटेड मेन्यू में कम से कम है। मज़ा आ गया। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि हमको जाने कहीं और भी, नितिन आया है तो अब बहुत सारी जगह साइडों में कवर करनी होगी। तो सेल्फ सर्विस है, डस्टबिन में खुद ही फेंकता है, क्लीन कर दबाए। अभी हूँ मैं रायपुर के पनरी मार्केट पे, क्योंकि हमेशा कंप्लेन होती थी कि हम पनरी मार्केट आते हैं शॉपिंग करने, बट हमें खाने की प्लेस नहीं मिलती है क्विक वाली। तो शॉपिंग करते करते खाने की प्लेस आप क्विक खा सकते हैं। तो ये मेन रोड पे ही प्लेस है, इडली। तो हमने यहाँ पे मंगा लिए क्लब कचौरी। 4 पीस कचौरी मिली है, बेसिकली ये पूरी जैसे होती है और ये सिर्फ 40 रुपीज़ की। अगर आप पनरी में शॉपिंग कर रहे हो या आपको ऑफिस है, पनरी इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ऑप्शंस हमेशा कम होते हैं खाने के, तो 40 रुपीज़ में काफ़ी फिलिंग है। बाकी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो हमने हाफ चाय, कॉफ़ी और इनका ये बनारसी समोसा मंगाया है। आप शेप देख सकते हो, पोटली जैसा शेप पे बनारसी समोसा आया है। चटनीज़ भी है ग्रीन और ये, तो फटाफट ट्राई करते हैं, लेट नहीं करती क्योंकि मेरे समोसे भी ठंडे हो रहे हैं। तो मैंने इडली के समोसों की इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी थी ना कि नितिन स्वीट फ्रॉम बिलासपुर रायपुर आ गया ये समोसे खाने के लिए। हाय एवरीबॉडी, तो नितिन का पेज है बिलासपुर क्यूजीन करके, आप लोग जानते ही होंगे, डू फॉलो मी, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है वो। थैंक्स फॉर सेइंग, मैं खुशबू ज़्यादा पॉपुलर है एनीवे। ये बात तो सच है। समोसे चालू करते हैं। हाँ, स्टफिंग में मटर और आलू दिख रहा है मेरे को, तुम भी लो। ये पोटली शेप का है ना, तो बहुत एक्साइट कर रहा है। और भैया कितने की है ये? 40, मतलब 40 की हमें 6 पीस मिले हैं, 5 रुपये का एक समोसा। अच्छा, वाह,
गर्म भी है। ये 5 का जो है 5 किलो 20 होगा। हाँ 6-7 रुपए का पड़ रहा है। 6-7 रुपये कितना है किलो? ये भी को जो मेन रोड होता है यहाँ पे जॉकी का शोरूम है, बस यहाँ से एंट्री मारना होता है एलआईसी बिल्डिंग के ठीक ऑपोजिट पे, जो चाय गोविंदम पड़ता है ना, बस क्या है ये क्या ऑर्डर किया तुमने? क्लब का ऑर्डर। ये भी ट्राई कर लेंगे। क्लब का थोड़ी रायपुर की आई डोंट नो तुम बताओगे रायपुर का मथुरा में खाया था क्लब का हिडन जेम है बता रहे तो बहुत ही लिमिटेड मेन्यू है। अभी तक हम लोगों ने 2 डिशेज ट्राई किए और दे आर गुड ट्राई थिंग। लिमिटेड मेन्यू में मज़ा आ गया। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि हमको जाने कहीं और भी। नितिन आया है तो अब बहुत सारी प्लेसेस आई थी कवर करनी होगी। सेल्फ सर्विस है, डस्टबिन में भी खुद ही फेंकता है, क्लीन कर जमा है।